निरंतर इस्लामी दुनिया की विरासत का बदला लेने का हक मशरक वस्ता के हालात में मजीद बिगाड़ का इशारा फलस्तीन की अस्करी तंजीम हमास के सियासी बीड़े के सरबराह इस्लामी दुनिया की विरासत पहले से भी तनाजे में जुड़े सकते कशीदगी इजाफे का बायस बन रही है। इस्लामी दुनिया ने ईरानी के लिए मुसल प्रदेशों की तकलीफ अलग बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान के दावे हुकूमत प्रधान में मौजूद थे जब वे एक सबाई हमले में मारे गए। हमास और ईरानी गुस्ताम ने फौरी तौर पर इस हमले का इल्जाम इसराइल पर लगाया। जब इस्लामी दुनिया की नमाज जनाजा करदान यूनिवर्सिटी में अदा की गई तो इसकी न्यूज के बड़े आला आयतुल्लाह खामेनेई और सदर मसूद पेजेशकियान भी शरीक थे। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इस हमले पर इसराइल के सख्त सबक सिखाने के अजीम का इरादा किया है। ईरानी बड़े आला का कहना है कि क्योंकि इस्लामी दुनिया का पति ईरान में हुआ है इसीलिए उनके खून का बदला लेना अपना फर्ज समझते हैं। जमा साल अप्रैल में इसराइल और ईरान उस वक्त जंग के दहाने पर पहुंच गए थे जब शाम में इसराइली फजाई हमले में ईरान के एक आला कमांडर मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर सक्रिय ड्रोन और रॉकेट फायर किए गए थे जबकि इसराइल ने जवाबी हमले में व्यक्ति ईरान के शहर इस्फहान के फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। हालिया बरसों में इस्लामी दुनिया ने ईरान के मुकद्दर दौरे किए थे जिसमें उन्होंने ईरान के रब्बे आला और दीगर आला गुस्ताम से बाकायदगी से मुलाकात की थी। इस्लामी दुनिया के अलावा इस्लामी जिहाद के रहनुमा लेबनान की हज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर और यमनी हूतियों के एक आला रहनुमा भी ईरानी सदर की तकलीफ भलक बर्दारी में पहले तक में मौजूद थे। तकलीफ के कबल इन सब ने आयतुल्लाह खामेनेई से भी मुलाकात की थी जहां उनका पुस्तकांत इस्तकबाल किया गया था। ईरान का कहना है कि इस्लामी दुनिया और उनका मुहाफिज शुमाली तहरान के एक गेस्ट हाउस में मौजूद थे जब मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे इन्हें ईरान की फजाई विदेश के बाहर से फायर किए गए मिसाइल को निशाना बनाया गया। ख्याल किया जाता है कि पिछली दिहाई में होने वाले ईरानी जौहरी साइंसदानों के कत्ल के पीछे भी इसराइल का हाथ था, लेकिन ये पहली बार है कि इसराइल ने किसी मुमताज सियासी रहनुमा को निशाना बनाया है। दुनिया का कत्ल न सिर्फ ईरान के लिए शर्मिंदगी का बायस है बल्कि ये इसकी सिक्योरिटी एजेंसी की सलाहियतों पर भी सवालिया निशान है। साबित ईरानी इंटेलिजेंस वजीरानी यूनिवर्सिटी ने 3 साल का भी एक बयान में कहा था कि ईरान में इसराइली दरामदाजी इतनी जदीद हो चुकी है कि तमाम हुकूमती अहलकारों को अपनी जानों का खौफ होना चाहिए। हालांकि ईरानी इंटेलिजेंस का दावा है कि वो मुल्क में मौजूद इसराइली नेटवर्क को बाकायदगी से निशाना बना रहे हैं। अब आगे क्या होगा? इस्लामी दुनिया की हलाकत के बाद बड़ी तशवीश ये है कि ईरान का रद्दअमल क्या होगा और ये क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है और इस तरह के रद्दअमल का खत्ते में तनाव का क्या मतलब होगा। इस्लामी दुनिया की हलाकत एक ऐसे वक्त में हुई है जब इसराइल के जनूबी दौरे की योजना की हज़्बुल्लाह के सबसे सीनियर फौजी कमांडरों में से एक को हलाक करने के दावे से चंद घंटे भी गुजरे थे। अब ईरान भी खुद में मौजूद अपनी कराची मलेशिया को इसराइल का हमले का कह सकता है। पहले ही खुद के मुबसरीन का मानना है कि इसराइल और हज़्बुल्लाह के दरमियान कशीदगी एक नया रुख अख्तियार कर सकती है और फिलिस्तीन में बड़ा रात जंग चुनने का इम्कान पैदा हो सकता है। ईरान के नए कदर इस्लामी दुनिया की हलाकत इस वक्त हुई जब वे ईरान के नौ मुंतखब कदर मुस्लिम पेशकियों की हलक बर्दारी की तकलीफ में शिरकत के बाद ईरान में मौजूद थे। मुस्लिम पेशकियों को मुस्तकमल इस्तेदार पसंद ईरानी सदर के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने बेरोनी दुनिया के साथ सिफारती ताल्लुक बेहतर करने का अहद किया है। इन्होंने इस्लामी दुनिया की हलाकत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसका लिखा की कई वे उनके साथ पार्लियामेंट में उनका हाथ ऊपर उठा रहे थे और आज वे उनके जनाजे को कंधा दे रहे हैं।
मुस्लिम सजेशन ने फलस्तीन की हिमायत करने के बाद कहा था कि उनकी हुकूमत मुतबादल और हमाहम खानजा ताल्लुकात के जरिए कौमी मफादात और आलमी अमन वाव सलामती को बरकरार रखेगी। इस्माइल दुनिया की हलाकत ने उनके मनसूबों पर पानी फेर दिया है। समझते उनके हाल के लिए ईरान के एक ऐसे सदर जो बदली दुनिया के साथ ताल्लुकात को ठीक करने के ख्वाहिशमंद है के साथ ईरान इसराइल के खिलाफ पूरे पैमाने पर हमला करने में मुश्किल करता है, लेकिन इस्माइल दुनिया की हलाकत में इसराइल गजा तनाजे में जंग बंदी और अन्य मुजाकरात की कोशिश पर बहुत असर डाला है और इस तनाजे में अब तक हमास के देर इंतजाम फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 30,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। कतर की वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल इस्लामी जो इसराइल और हमास के दरमियान हैं, ने कहा कि दुनिया के पतों ने मुजाकरात की संजीदगी पर समझौता किया है क्योंकि वो मुजाकरात में हिस्सा लेने वाली एक अहम शख्सियत थे। नजर किया जब तक पतों ने एक हमारे जंग का बायस बनेगा ये कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन जंगी हमेशा सोचे समझे खतरा का नतीजा नहीं होती।